यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात के बीच घर वापस लौटा छतरपुर का आसिफ यूक्रेन में रहकर कर रहा था MBBS की पढ़ाई। परिवार में खुशी का माहौल। यूक्रेन और रूस के बीच लगभग युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यूक्रेन में फंसा छतरपुर का आसिफ आज सुबह सकुशल अपने घर वापस लौटा है। यूक्रेन में आसिफ MBBS की पढ़ाई कर रहा था और जिस तरीके के हालात वहां पर थे उसे लेकर न सिर्फ आसिफ बल्कि उसका पूरा परिवार परेशान था। छतरपुर शहर के नए मोहल्ले का निवासी आसिफ खान यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था और ऐसे में आसिफ खान वहीं पर फंसा हुआ था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के आसार थे, इसको लेकर आसिफ जहां बेहद परेशान था तो वहीं उसके माता पिता आसिफ के लिए बहुत ही चिंतित थे और उन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई थी। केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन के लिए चलाई थी और यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी कड़ी में आज सुबह आसिफ अपने शहर अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता से मिला। आसिफ और उसके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं आज सुबह से ही जब आसिफ और उसके परिजनों को मालूम चला कि यूक्रेन में बमबारी शुरू हो चुकी है तो आसिफ घर आने की खुशी के साथ साथ उन दोस्तों के लिए जो यूक्रेन में रह गए हैं चिंतित नजर आया और आसिफ और उसके परिजनों ने सरकार से उनके लिए भी मदद की गुहार लगाई है। पहले जो खबर हमने सुनी है कि यूक्रेन में बमबारी शुरू हो गई है तो हम ईश्वर का बहुत ही धन्यवाद करेंगे कि हमारा बच्चा सकुशल आ गया। हम लोग बहुत परेशान थे और पूरे हम और जो बच्चे फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए ईश्वर से बहुत दुआ कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के मित्र फंसे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मतलब ख़राब न्यूज़ यूक्रेन से आई है तो उन लोगों की हम लोग दुआ कर रहे हैं कि बच्चे हमारे सकुशल सब बच्चे आ जाएँ। आसिफ के कितने दोस्त अभी मतलब फंसे हुए हैं? अभी आसिफ के काफ़ी दोस्त फंसे हैं, हमारे उनके फादर वगैरह से भी दोस्ती अच्छी हुई थी उन लोगों से, तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो गया। आसिफ के आने की जितनी खुशी है उतनी में उन बच्चों के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं हम लोग, वो बच्चे हमारे जल्दी आ जाएंगे। शुरू से कह रहे थे कि आसिफ आप आ जाइए तो क्या कह रहा परीक्षाएँ इस साल परीक्षाएँ भी उसकी तो परीक्षाओं की टेंशन थी तो वो कन्फ्यूज़ हो रहा था कि ऑफलाइन चलेंगी कि ऑनलाइन चलेंगी, हमारा भविष्य क्या होगा क्योंकि इसका लास्ट सेमेस्टर है। तो फिर जब दूसरी बार एडवाइजरी जारी हुई तो ऐसा आसिफ ने तत्काल टिकट बुक कर लिया